गोरखपुर के ही वन विभाग में बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो जर्जर हो चुके हैं और कई तो पानी के बिना सूख गए हैं। पेश है हमारे गोरखपुर न्यूज संवाददाता प्रवीण कुशवाहा की विशेष रिपोर्ट। गोरखपुर शहर में पेड़ों की स्थिति बहुत ही जर्जर हो रही है और कभी भी किसी के लिए काल बनकर गिर सकता है। कई पेड़ तो इतने जर्जर हो चुके हैं कि वहाँ बिना आंधी के ही गिर सकते हैं और कई जिंदगी तबाह कर सकते हैं, लेकिन उसकी सूध लेने वाला कोई नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर के वन विभाग के कार्यालय में ही लगे पेड़ों की, जो दोबारा खड़े हो सकते थे, लेकिन वन विभाग की पूरी तरह से इस बारे में उदासीन है। ये पेड़ करा कर अपने मदद के लिए वन विभाग को बुला रहा है, मगर वन विभाग के अधिकारी कानून में तेल डालकर बैठे हुए हैं। आपको बताते चलें कि अभी हालिया दिनों में ही एक पेड़ टूटकर गिर गया था, जिससे रेलवे के कर्मचारी का पूरा परिवार मौत के मुंह में आने से बाल बाल बचा था। अगर समय रहते इन जर्जर पेड़ों को नहीं हटाया गया और सूखे पेड़ों को दोबारा से हरा करने की कवायद शुरू नहीं की गई, तो आने वाले समय में हमें दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है।
बारे में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, सूखे पेड़ हैं उनकी व्यवस्था सर क्या करेंगे, क्योंकि आंधी तूफान कभी भी आता है, गिरते हैं तो काफी जान माल नुकसान होता है। मैंने भी देखा है शहर में जो सरकारी जमीनों पर पेड़ हैं तो सूख गए हैं, उनमें फिर हरे नहीं हो सकते, उनको हम लोग कटवा कर अपने स्टोर में जमा करेंगे, जो हमारे जब ठंडी पड़ेगी तो हम उसको लोगों के अलाव के लिए देने की व्यवस्था करेंगे, इससे हमारे नगर निगम की आर्थिक जो आर्थिक समस्याएं हैं उसमें बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा और उसको हम अपने स्टोर में जमा करवाएंगे। उधर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कुछ आम नागरिकों ने भी इसके बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं दी। अभी भी जान को खतरा है, इसको तो वन विभाग को चाहिए कि इसकी सुरक्षा से देख रेख करके और जितने भी सूखे पेड़ उसको कटवा लें ताकि जान माल सुरक्षित रहे। नाली आई थी, एक डाल गिर गया था, वन विभाग को चाहिए जितने ऐसे जितने भी पेड़ हैं उनको कटवा के सुरक्षित स्थान पर रखवाया जाए, किसी में बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। कौन सा जगह है ये? बचारत। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो पेड़ है वो काफ़ी सूख चुका है, और जो सूखा हुआ पेड़ है वो हमें हमेशा पता रहता है कि हमारे जानलेवा है, वो कभी भी किसी आने तूफान में गिर सकता है, उसमें किसी बिजली के तारों से आग भी लग सकती है, और ये जो हमारा बिजली का तार है जो हमारा लाइन है वो सीधा इसको बीचों बीच में गया है। तो मैं अपने जो प्राधिकरण विकास वाले हैं उनसे यही अधिकारी से यही कहना चाहता हूँ कि इसको कटवाएं और इसके जगह पे कोई दूसरा इलाज करें ताकि हमारा जान माल का जो खतरा है वो हमसे बच सके और हमारे ये सेवार्थ भी काम आए। अब इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ गोरखपुर प्राधिकरण अधिकारी से, धन्यवाद। ये सूखे पेड़ से बहुत नुकसान है यहाँ पे, जैसे कि हम लोग रहते हैं आंधी पानी में, ये गिरने की कोई सी संभावना नहीं, गिर भी सकता है, किसी का नुकसान भी, या गाड़ी हो या हो, या हम लोग स्थायी दुकानदार हैं यहाँ पे, गिर भी सकता है किसी के ऊपर, ये सूखा पेड़ है। तो क्या कहेंगे इसके आप? इस समय यही चाहेंगे वन विभाग के बारे में कि इसको जल्दी से कोशिश कटवा दें, यहाँ से हटवा दें। कोट नगर। यह पेड़ निश्चित रूप से चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं कि आप हमें जिंदगी दे दो, लेकिन जिंदगी कहाँ है? जिंदगी जिनके हाथों में है यानी वन विभाग, वह तो खुद ही सोया हुआ है।